2 रुपीज पे मिलने वाला 2 स्टॉक बताऊंगा आज के इस वीडियो पे, जिस दोनों स्टॉक पे आप लोग को जो है इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, उसके ऊपर देखना भी नहीं है, क्योंकि इसका लाइव प्रूफ भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सिंपली मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ 2010 में 1 बिटकॉइन का प्राइस कितना था। तो सिंपली गूगल पे आके मैंने यहाँ पर लिखा 2010 बिटकॉइन प्राइस इन इंडिया। तो पर मैं जैसे सर्च करता हूँ देख सकते हो 2010 में 1 बिटकॉइन का प्राइस था 2.85 रुपीज के आसपास, मतलब 3 रुपीज के आसपास 1 बिटकॉइन का प्राइस था 2009 या 10 के बीच में। तो यही बिटकॉइन अभी के टाइम पे कितना हो रहा है, मैं वो भी थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर उसका बाद में बताता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर इसको 2010 को कट करके जो है यहाँ पर इन बिटकॉइन प्राइस इसको लिख के मैं सर्च कर देता हूँ, देख सकते हो अभी के टाइम पे 1 बिटकॉइन का प्राइस जो है 39,14,386.20 रुपीज के आसपास चल रहा है। अगर कोई भी बंदा 2009 या 10 के बीच में 1 बिटकॉइन परचेस कर लेता ओनली 3 रुपीज इन्वेस्ट करके, तो अभी के टाइम पे वही 3 रुपीज जो है 40 लाख पे बदल जाता। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो दोनों स्टॉक मैं आप लोग को बताऊंगा, दोनों स्टॉक पे आप लोग को लगा के छोड़ देना है, बट अपना रिक्स पे लगाना है। ऐसा बात में ऐसा मत बोलिए कि मैंने बताया इसलिए आप लोग लगा दिया तो आप लोग का लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होता भी है तो ज्यादा नहीं होगा, बस 5 से 10 रुपीज के अंदर ही जो आप लोग को लॉस होगा, दोनों स्टॉक जो है 2 रुपए के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए आप लोग को ग्रो पे अकाउंट बनाना है। अगर आप लोग ग्रो पे अकाउंट अभी तक नहीं बनाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को ग्रो का लिंक मिल जाएगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग सबसे पहले ग्रो पे अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आप लोग को ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉक को खोल के रखा था। यहाँ पर आप लोग को कुछ स्टॉक मिल जाता है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे आकर जो आप लोग को स्टॉक सर्च कर लेना है, जो स्टॉक मैं आप लोग को बताऊंगा दोनों स्टॉक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा होल्डिंग पे जाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखा हूँ। होल्डिंग पे जाने के बाद यहाँ पर 10 शेयर जो मैंने इसको जो है बाय करके रखा हूँ, तो सिंपली इसमें क्लिक करता हूँ, होल्डिंग डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 1.6 रुपीज के आसपास जो मिल जाएगा। आप लोग को सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर जो नाम यहाँ पर आप लोग को शो करे सिंपली इसको आप लोग को जो सर्च कर लेना है, गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट, ठीक है। इसको आप लोग को सर्च करके जो आप लोग को बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को सिंपली जो है 10-20 जो भी आप लोग शेयर्स को बाय करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने 10 शेयर को बाय करके रखा हूँ, तो आप लोग जितना चाहे 1, 2, 3 जितना चाहे आप लोग बाय कर लेना, ठीक है। सिंपली बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है BSE जहाँ पर लिखा है सिंपली वहां पर आप लोग क्वांटिटी डालना है कि कितना क्वांटिटी पे आप लोग बाय करना चाहते हो, ठीक है। 2-3 क्वांटिटी नहीं, सॉरी, यहाँ पर कितने शेयर आप लोग बाय करना चाहते हो, 3 शेयर बाय करना, तो 3 लिख सकते हो। जैसे 3 शेयर पे यहाँ पर आप लोग कितना मिले, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो भी यहाँ पर लिखा है, 4 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पर 3 लिख के यहाँ पर आप लोग को बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सेकंड नंबर पे जो स्टॉक है उसको भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ बैक करके। सेकंड नंबर पे जो स्टॉक है सिंपली होल्डिंग डिटेल्स पे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कॉइन के स्टॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेकंड नंबर पे जो स्टॉक है उसका नाम है सन केयर ट्रेडर्स, ठीक है। सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे जाके ये आप लोग को नाम सर्च करना है, उसके बाद यहाँ पर बाय का ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर BSE जहाँ पर लिखा है क्वान्टिटी, सिंपली उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करके जितना आप लोग शेयर को बाय करना चाहते हो 5-6 उतना आप लोग को जो है यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर 5 शेयर का प्राइस जो है 7 रुपए के आसपास है, तो सिंपली बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आप लोग का ये जो स्टॉक है बाय हो जाएगा। आप लोग जितने भी स्टॉक को बाय करके रखेंगे वो सिंपली आप लोग को जो है ग्रो ऐप का होम सेक्शन पे होल्डिंग पे आप लोग को शो हो जाएगा। जैसे ये ग्रो का होम सेक्शन है, ठीक है। होम सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पर एक होल्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। जो भी स्टॉक आप लोग बाय करके रखेंगे सारा का सारा स्टॉक यहाँ पर आप लोग को जो शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्ट कितना है, कितना प्रॉफिट दे रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग को जो दिख जाएगा। ये दोनों स्टॉक पे लगा के आप लोग को जो छोड़ देना है, कितना आप लोग स्टॉक यहाँ पर होल्ड करके रखा है वो भी यहाँ पर आप लोग को जो है शो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आप लोग काफी ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।